जय माता दी। हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सक्षिप्त पटल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम बात कर रहे हैं नवरात्रि के 8वें दिन आदिशक्ति माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की उपासना होती है। श्वेत वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यमेव महादेव प्रमोदता। माँ दुर्गा का अष्टम रूप महागौरी है। महागौरी की चार भुजाएं हैं। उनकी दाई भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में त्रिशूल चोकता है। बाई भुजा में डमरू डमडम बज रही है और नीचे वाली भुजा से गौरी देवी भक्तों की प्रार्थना सुनकर वरदान देती है। जो स्त्री इस देवी की पूजा भक्ति भाव सहित करती है, उसके सुखा की रक्षा वह स्वयं करती है। कुंवारी कन्या माँ की पूजा करती है तो उसे योग्य पति प्राप्त होता है। पुरुष जो देवी गौरी की पूजा करते हैं उनका जीवन सुखमय होता है। देवी उनको पापों को जला देती है और शुद्ध अंतःकरण देती है। माँ अपने भक्तों को अक्षय आनंद और तेज प्रदान करती है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है, इसलिए ये महागौरी कहलाती है। नवरात्रि के अष्टम दिन इनका पूजन किया जाता है। इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। माँ महागौरी की आराधना से किसी प्रकार के रूप और मनवांछित फल को प्राप्त किया जा सकता है। उजले वस्त्र धारण किए हुए महादेव को आनंद देने वाली शुद्धता मूर्ति देवी महागौरी मंगलदायिनी है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इस गौरता की उपमा शंख चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। इनकी आयु 8 वर्ष कही गई है। इनका दाहिना ऊपरी हाथ में अभय मुद्रा और निचले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। बाएं ऊपर वाले हाथ में डमरू और बायां नीचे वाला हाथ पर फिर शांत मुद्रा में है। पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इन्होंने प्रतिज्ञा की थी, ब्रिये अहम वरदम शंभुम नान्यम देव महेश्वरा। गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार शिव के वरण के लिए कठोर तपस्या का संकल्प इन्होंने लिया था, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया था। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जब शिव जी ने इनके शरीर को पवित्र गंगा जल से मलकर धोया, तब वह विद्युत के समान अत्यंत कांतिमय गौर हो गई। तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी आदिशक्ति है। इनके तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशमान होता है। इनकी शक्ति अमोघ फलदायिनी है। माँ महागौरी की आराधना से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं तथा देवी का भक्त जीवन में पवित्र और अक्षय पुड़ियों का अधिकारी बनता है। दुर्गा सप्तशती में शुंभ निशुंभ से पराजित होकर गंगा के तट पर जिस देवी की प्रार्थना देवतागण कर रहे थे, वो महागौरी है। देवी महागौरी के अंश से ही कौशिकी का जन्म हुआ, जिसने शुंभ निशुंभ के प्रकोप से देवताओं को मुक्त कराया। यह देवी गौरी शिव की पत्नी है और यही शिवा और शांभवी के नाम से पूजी जाती है। नवरात्र के 200 दिन कुंवारी कन्या भोजन कराने का विधान है, परंतु अष्टमी के दिन का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी भेंट करती हैं। देवी गौरी की पूजा का विधान भी पूर्ववत है, अर्थात जिस प्रकार सप्तमी तक पूजा की है, उसी प्रकार अष्टमी के दिन भी पंचोपचार सहित पूजा की जानी चाहिए। महागौरी का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।